दोस्तों, हमने परसों के दिन एक वीडियो अपलोड किया था टाटा 3525 BS6 का, 500 घंटे की सर्विस कैसा करते हैं और उसमें क्या क्या चेंज होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे गाड़ी को स्कैन करके इसका फॉल्ट कोड क्या क्या आ रहा है वो चेक करने वाले हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। और गाड़ी को स्कैन करने के लिए दोस्तों कोई हमारे पास में लैपटॉप नहीं है, ओनली फॉर ब्लूटूथ डिवाइस है जो कि हम आज उसको स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉल्ट कोड क्या क्या आ रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी 453 घंटे चली है सिर्फ गाड़ी। और इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो बॉक्स दिख रहा है फ्यूज बॉक्स को ओपन करना है। और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सामने में एक कनेक्टर दिख रहा है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमने ये ब्लूटूथ डिवाइस को हमने लगा दिया है जो कि हमें इस गाड़ी को स्कैन करना है। और जैसे ये कनेक्ट हो जाता है तो दोस्तों ये देख सकते हैं पीछे में एक ग्रीन लाइट ऑन हो जाता है। अब क्या करना होगा दोस्तों, हमें स्मार्टफोन के ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट जैसा हो जाता है दोस्तों उसके बाद में टाटा BS6 के ऑप्शन में जाके इसका फॉल्ट को चेक करना है। तो देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम इसे स्कैन कर लेते हैं और स्कैन करने के बाद दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट आ रहा है। दोस्तों हमने सर्विस किया था तो सर्विस करने के बाद में हमें स्कैन करना बहुत ही ज़रूरी है, बट दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसमें बाय द वे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या स्कैन टूल की ज़रूरत पड़ती है जो कि स्कैन करने के बाद ही हमें प्रॉब्लम का पता चलता है। पता चलने के बाद में फॉल्ट कोड हमें देखना पड़ता है कि फॉल्ट कोड किसका आ रहा है, उसी आधार पर हमें इसका जो है काम करना पड़ता है, तभी जाके ये गाड़ी सही होती है। बाकी आप अगर BS6 गाड़ी में प्रॉब्लम ढूंढते रहोगे तो सिर्फ ढूंढते ही रह जाओगे, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं मिलना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ फॉल्ट कोड आया है जो कि हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम एक काम करते हैं, ये सारे को डिलीट करते हैं। अगर डिलीट हो गया दोस्तों तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी कोड अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो फिर उसमें प्रॉब्लम है, तो उसे हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा फिर मैनुअल। ये सिर्फ स्कैन टूल का काम है कि सिर्फ बता देता है कि कौन से जगह पे ये फॉल्ट आ रहा है वो बता देता है। तो देख सकते हैं ये टाइम हो चुका है और आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बार और क्लिक करना होगा हमें और देख सकते हैं ये जीरो फॉल्ट दिख रहा है, मतलब जीरो फॉल्ट कोड आ रहा है, मतलब हमारी गाड़ी एकदम ओके है, इसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। So, दोस्तों देखा आप लोगों ने हमने कैसा इस गाड़ी को स्कैन किया और फॉल्ट कोड को डिलीट किया। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और ये रहा गाड़ी को स्कैन करने वाला स्मार्ट डिवाइस जो कि ब्लूटूथ के साथ में स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है।